ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। वाह वाह वाह, ये देखो भाई, ये तो अंधेरे में तो दिन का समय हो गया। वाह 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 वाह, जबरदस्त हो गया भाई, बेहतरीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फहीम सिद्दीकी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और हम आपको क्या दिखाने लाए हैं, ये है मोटरसाइकिलें जो फोर व्हीलर हैं। कौन सी मोटरसाइकिलें हैं, कहाँ दस्तियाब हैं, ये सब हम आपको बताते हैं। ये हुसैन स्पोर्ट्स मोटर्स है, अकबर रोड पे यहाँ पर होते हैं सुहेल साहब, जो हमें इन गाड़ियों की तफसीलात से आगाह करेंगे, इन गाड़ियों की तमाम तफसीलात बताएंगे वो, कि गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं, कहाँ चलती हैं, क्या मकासद हैं इनके, कितना पेट्रोल खर्च होता है, सब कुछ जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में आखिर तक रहिए और जानिए इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात। कितने सीसी का इंजन है ये भी बताएंगे हम आपको। तो आइए वीडियो देखते हैं मज़ीद और तफसीलात जानते हैं। यहाँ पे एसेसरीज़ वगैरह भी दस्तियाब है, मुख्तलिफ मोटरसाइकिल के पार्ट्स भी मिलते हैं, ये सब आपके सामने लगे हुए हैं, टायर भी मौजूद हैं। तो आइए सोहेल भाई से मिलते हैं, उनसे जानते हैं इन मोटरसाइकिलों की सारी खूबियाँ। जी सोहेल भाई, ज़रा बताएं तो सही, क्या चीज़ लेकर आ गए हैं आप मार्केट में? ये एटीवी फोर व्हील है। एटीवी फोर व्हील, ये नाम ही पहली दफ़ा सुना है यार मैंने, ये होती क्या चीज़ है ज़रा ये तो बताइए। ये ऑफ रोड बाइक होती है। ऑफ रोड बाइक के लिए चलती है। तो एटीवी का क्या मतलब है? एटीवी ऑफ रोडिंग के लिए चलाती है। अच्छा, तो ये क्या है ज़रा इसकी तफसीलात और कुछ बताइए, क्या होता है इसमें, कैसे चलती है, कहाँ चलती है? 125 cc है ये। बीचेस पे, अपार्टमेंट पे, फार्म हाउसेस पे ऐसे चलती है ये। अच्छा, और इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं इसके अलावा? इसमें डबल डिस्क कैलिपर आगे, सिंगल डिस्क कैलिपर पीछे। ये ज़रा थोड़ा सा लोग व्यूअर्स जानना चाहते हैं, जो कुछ आप कह रहे हैं वो होती क्या चीज़ है वो? ये आगे डिस्क कैलिपर लगा हुआ है, डबल डिस्क कैलिपर है, ये ब्रेक सिस्टम होता है आगे। अच्छा, ये है सिस्टम, ये ब्रेक सिस्टम है, डबल डिस्क कैलिपर है। ठीक है, इसमें अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। ये व्हील कौन सी है? अलॉय व्हील्स। अलॉय व्हील है। ये कितना नंबर का टायर है ये? ये 8 inch का टायर है। 8 inch का टायर है। इसका फुल साइज है 19-7-8। अच्छा सोहेल भाई, ये टायर जो है, ये अगला टायर का साइज और पिछले टायर के साइज में फर्क क्यों है यार? चौड़ाई बहुत फर्क है इसमें। पिछला टायर इसमें एटीवी में चौड़ा आता है 8 number साइज में। अच्छा, पिछला टायर चौड़ा आता है और अगला टायर इसमें पतला आता है, स्पोर्ट साइज के टायर होते हैं। अच्छा, ये जो दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है इसका अगला टायर है? इसका अगला टायर है। ठीक है ना, और ये इसका पिछला टायर है। देख रहे हैं आप व्यूअर्स, दोनों टायरों में चौड़ाई में कितना फर्क है। अच्छा, दोनों ट्यूबलेस टायर होते हैं। ट्यूबलेस टायर होते हैं। ठीक हो गया भाई। अच्छा, ये टायर वगैरह, इसके एसेसरीज वगैरह मिल जाती है? अवेलेबल है हमारे पास। ये क्या चीज़ है? ये इसका पायदान है पाँव रखने के लिए। कोई खास चीज़ नहीं है ये? नहीं, कोई फंक्शन नहीं है, वैसे पैर रखने का, खाली पैर रखने के लिए। और ये हो गया इंजन, ये इसके इंजन का व्यू आप देख सकते हैं व्यूअर्स, बिल्कुल नया, ब्रांड न्यू। अच्छा, और क्या खूबियाँ है इसमें? इसमें पीछे सिंगल डिस्क कैलिपर होता है, ट्यूबलेस टायर है इसके अंदर। ठीक हो गया। 125 cc का इंजन है इसका। इंजन 125 cc है, 125 cc का है, 60 की स्पीड होती है इसकी, फुल स्पीड 60 की, मैक्सिमम 60 की स्पीड जाएगी। स्पीड है। ठीक हो गया। और बच्चों के लिए है, बड़े भी इसको आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, कितने साल की उम्र के बच्चे इसमें आ सकते हैं? इसमें 12 साल से लेके 25-26 साल का बंदा भी आराम से चला सकता है इसको। अच्छा, कम से कम 12 साल उम्र होनी चाहिए उसकी। तो लाइसेंस वगैरह इसका क्या होगा? ये ऑफ रोड है, ऑफ रोड के अंदर कोई लाइसेंस। अच्छा, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, तफरी मकाम पे चलने के लिए, तफरी। ठीक, मतलब क्लिफ्टन और सी व्यू वगैरह पे जो चल रही होती है। अपार्टमेंट में कितनी चल रही है, अपार्टमेंट में चला सकते हैं आप। अच्छा, और क्या खूबियाँ सर इसकी ज़रा बताइए। इसमें मीटर है, इंडिकेटर है। ये मीटर है? ये मीटर है। इसमें न्यूट्रल की लाइट है और इंडिकेटर की लाइट है। ठीक हो गया। और ये स्पीडो का काटा है इसके अंदर। अच्छा, इसमें 4 LED लाइट्स आगे लगी हुई है। अच्छा, ये आगे लाइट लगी हुई है? फॉग लाइट्स लगी हुई है आगे, 4 LED है। अच्छा, ये अभी मेन लाइट्स लगी हुई है जो इसकी बॉडी के अंदर है। अच्छा, इंस्टॉल हुई हुई है। ये हेडलाइट है इसकी? जी।
ज़बरदस्त है भाई, ये तो बहुत ही खूबसूरत हेडलाइट्स हैं। और ये नीचे इसके क्या लाइटें लगी हुई हैं, ये छोटी छोटी जो? ये भी एलईडी के साथ ही है, ये डीआरएल है। अच्छा, एलईडी इंडिकेटर लगे हुए हैं इसके अंदर। इंडिकेटर कहाँ है भाई इसके? ये इंडिकेटर लगे हुए हैं एलईडी। अच्छा, ये इंडिकेटर है ये वाला? इतना छोटा सा ये? ये छोटा सा एलईडी है, रोशनी तेज है इसकी। अच्छा, इसके अलावा और क्या खूबी है ये यहाँ पे? यहाँ पे क्या चीजें हैं जरा ये तो बताएं तफसीलात। ये एक्सीलेटर है, ये एक्सीलेटर आप कम भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपका बच्चा 12 साल या 15 साल का है, फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है इसको, चलाना ना जानता हो, तो आप इसमें एक्सीलेटर लॉक भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब कम से कम स्पीड आप 15 तक लॉक कर सकते हैं, 15 से ज्यादा जितनी आपको बढ़ानी हो, फुल स्पीड 60 जाके इसकी। अच्छा, ये तो जबरदस्त खूबी है यार, बच्चा ज्यादा तेज चला ही नहीं सकेगा फिर तो। अच्छा, और इसमें क्या खूबी है यहाँ पे इस वाली साइड पे क्या चीज़ है? हॉर्न है, इस साइड पे हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, ये इसका पीछे का हाइड्रोलिक ब्रेक है, सीधे हाथ पे उल्टे आगे का हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है। और ये रेड कलर का बटन किस लिए? ये 4 एलईडी लाइट्स के लिए आगे जो लगी हुई है। अच्छा, आगे लाइट लगी हुई है उसको ऑन करने के लिए? ये नीचे की 2 लाइटें ऑन करने के लिए। अच्छा जी, ये सेल्फ के लिए? सेल्फ कौन सा? ये सेल्फ है। अच्छा, ये सेल्फ आगे बटन लगा हुआ है जिसमें प्रेस कर रहा हूँ, ये सेल्फ का बटन। जबरदस्त, इससे स्टार्ट होगी है? ये इससे स्टार्ट होगी। अच्छा, इसमें पेट्रोल है क्या चीज़? ये पेट्रोल है। अच्छा, पेट्रोल है, ये टंकी इसकी पेट्रोल की है? इसमें 2.5 लीटर फ्यूल टैंक है। अच्छा, 2.5 लीटर पेट्रोल लगता है, 1 लीटर में आपकी 22 किलोमीटर चलेगी। 22 किलोमीटर जाएगी। डबल एग्जॉस्ट सिस्टम है इसमें, हैवी साउंड के लिए डबल एग्जॉस्ट लगे हुए। एग्जॉस्ट से क्या मुराद है इसकी? इसमें सादे जो बफील आती है वो नहीं है, एग्जॉस्ट सिस्टम है, भारी साउंड है इसका। अच्छा, ये एग्जॉस्ट लगे हुए इसके? जी, डबल एग्जॉस्ट लगे। जबरदस्त हो गया भाई, बेहतरीन पीछे से। अच्छा, ये पीछे क्या चीजें लगी हुई है? ये ब्रेक कैलिपर लगा हुआ है, ये चेन का मड़गार्ड लगा हुआ है। जबरदस्त, और ये इसके टायर हो गए? ये टायर लगे हुए इसके। अच्छा, ये इसकी बैकलाइट है? ये बैकलाइट लगी हुई है इसकी। बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल ब्रांड न्यू 0 मीटर। हाइड्रोलिक जंप लगे हुए हैं इसके अंदर। अच्छा, ये जंप इसके हाइड्रोलिक है? मोनोशॉक सिस्टम होता है, सिंगल मोनोशॉक होता है। अच्छा, हैवी शॉक है। ठीक हो गया, जरा दबा के दिखाएं तो सही कितना दबती है ये आपसे। ओ वाओ, जबरदस्त। अच्छा, ये आगे क्या चीज है भाई? ये तो हमने देखी नहीं अभी तक। ये इसका गियर लीवर है। अच्छा, ये गियर लीवर है, फॉरवर्ड है इसके अंदर, 1 गियर रिवर्स है, क्लच ऑटो है इसके अंदर, क्लच इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। अच्छा, और ये क्या चीज है इसका? ये इंजन है इसका? ये इंजन है। ठीक हो गया भाई। अच्छा, इसमें पेट्रोल आप कह रहे हैं 2.5 लीटर आएगा? 2.5 लीटर का टैंक। कहाँ पर आता है पेट्रोल? ये टैंकी है इसकी? इसका खोल के तो दिखाएं जरा, हम टैंकी भी देख लें आज इसी बहाने। अच्छा, ये है इसकी टैंकी, इसमें 2.5 लीटर आएगा। जबरदस्त, और ये क्या चीज़ है? ये ब्रेक कैलिपर है, ब्रेक सिलेंडर के लिए। ठीक है, तो अब सब चीज़ें तो हो गई, बस 2 चीज़ें बाकी रह गई। एक तो हम इसको स्टार्ट करके देख लें जरा, स्टार्टिंग में क्या पोजिशन होती है वो पता चल जाएगी। दूसरा इसकी प्राइस। अच्छा, इग्निशन तो आपने बताया नहीं यार, ये क्या बात? ये मेन स्विच है इसका। चाबी निकाल के दिखाएं ना जरा इसकी, ये चाबी है इसकी। अच्छा, इसकी चाबी बिल्कुल नए अंदाज में भाई, देख रहे हैं आप, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में चाबी है इसकी, और ये चोरी भी नहीं हो सकती इसका मतलब। ये चोरी भी? अच्छा, ये इग्निशन में लग गई चाबी जी। बैटरी का तो बताइए, क्या सिलसिला है भाई, ये कौन सी बैटरी लगती है इसमें? 12 वोल्ट 7 एम्पीयर की बैटरी लगती है, ड्राई बैटरी। अच्छा, ड्राई बैटरी होती है, ठीक हो गया। किस कंपनी की होती है? ये फीजी कंपनी की होती है। फीजी कंपनी, कहाँ की है बैटरी? ये भी बितानियम की है, ये भी बाहर की है, इम्पोर्टेड बैटरी है, लोकल नहीं है। अच्छा, ये कितने की है मार्केट में? ये 2300 रुपये की बैटरी है। तो आपके पास से मिल जाएगी? हमारे पास से मिल जाएगी, या कोऑपरेटिव मार्केट से मिल जाएगी, आम दस्तियाब है ये। अच्छा, इसकी आप कह रहे हैं एसेसरीज सारी मैसर है आपके पास भी और मार्केट में भी? सब मिल जाएगी, सब मिल जाएंगी। जो मार्केट से ना मिले वो हमारे पास मिल जाएगा, वो आपके पास मिल जाएगा। जबरदस्त हो गया। अच्छा, और कोई चीज़ रह गई हो आपके जहन में तो वो भी सोच लें आप, ताकि हम वीडियो को एंड करें फिर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई है व्यूअर्स, वो है इसकी कीमत। तो इसकी कीमत जाननी है हमने, क्या कीमत है इसकी भाईजान? 2,70,000 रुपये। 2,70,000 रुपये इस वक्त आज की तारीख में कीमत है। Thank you.
और यहाँ पे छोटे साइज में भी ये साइकिलें अवेलेबल हैं, इनके बारे में भी हम जानते हैं सोहेल भाई से कि इनकी क्या सिलसिला है। जी भाई जान, सोहेल भाई जरा बताइए साइज में छोटी क्यों है? ये 6 नंबर साइज है। 6 नंबर साइज। अच्छा, ये कितने उम्र के बच्चों के लिए? ये 10 साल से लेके 15-18 साल का नहीं चला सकता। अच्छा, बड़े लोग नहीं चला सकते? बड़े नहीं चला सकते, इसमें भी इसकी टांगे हैंडल पे लगती है। अच्छा, ये क्या कीमत है इसकी? 1,40,000 रुपये। 1,40,000 रुपये कीमत है इसकी। ठीक हो गया। और ये भी वही ऑफ रोड है गाड़ियाँ? ये भी ऑफ रोड है। जबरदस्त भाई। तो व्यूअर्स, आपने जाना इस मोटरसाइकिल के बारे में तफसीलात, कहाँ दस्तियाब है, क्या वैरायटीज हैं, वो सब भी आपने जानी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें ज़्यादा। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।